गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य भाग पाठ संख्या 4 तुम कब जाओगे अतिथि पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ पूरा का पूरा एक व्यंग्यात्मक पाठ है, व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसमें मेहमान और मेजबान के मध्य का वार्तालाप बताने का प्रयास किया है। मेहमान को अतिथि माना है और अतिथि को देव के समान माना जाता है। आइए इस व्यंग्यात्मक पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के लेखक शरद जोशी, जिनका जीवन काल 1931 से लगाकर 1991 के मध्य रहा, तो आइए सर्वप्रथम हम इस पाठ के लेखक शरद जोशी का जीवन परिचय तथा उनके द्वारा रचित काव्य कृतियां तथा इस पाठ का मूल सार पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए अपने पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पहले हम इस लेखक का परिचय पढ़ते हैं। शरद जोशी, जिनका जीवन काल 1931 से 1991 तक रहा, कि उनका जीवन काल था। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को आजीविका यानी नौकरी पेशा से कहते हैं के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम यानी ब्लॉग के अतिरिक्त हास्य यानी हंसने और हंसाने वाले व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएँ यानी लिखनी और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में से शरद जोशी जी भी एक माने जाते हैं। शरद जोशी की प्रमुख कृतियाँ यानी प्रमुख पुस्तकें परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियाँ, तिलिस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, ये उनकी प्रमुख कृतियाँ थी। फिर देखिए आगे दो व्यंग्य नाटक हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है उनका मैं केवल मैं, दूसरा है उर्फ कमल सुख बी। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियों के अलावा उनकी भाषा बड़ी सरल और सहज है। मुहावरे और हास और परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाए। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन और व्यक्तित्व, आचरण और कुछ भी शरद जोशी की पहली नज़र यानी उनकी तीसरी नज़र से बच नहीं सकती। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों यानी कमियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक माने पढ़ने वाले के लिए कहा गया है, इस चित्रण को पढ़कर चंकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को भी विवश हो जाता है। तो आइए हम इस व्यंग्यात्मक लेख के अंतर्गत क्या ऐसी बातें जिनको देखकर हम अपने आप को चकित कर सकते हैं या हैरान हो सकते हैं। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है यानी ऐसे व्यक्तियों पर तंस कसा है कि जो अपने किसी परिचित यानी मिलने जुलने वाले या जान पहचान वाले या रिश्तेदार के घर बिना कोई सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान मन आ भगत करने वाले के लिए कहा गया। मेजबान यानी सेवादार से कहते हैं, जो मेहमान नवाजी करता है उसको मेजबान कहा जाता है, कि मेजबान पर चाहे कितना भी भारी क्यों न पड़ सके, चाहे उस मेजबान की स्थिति
क्यों ना कमजोर हो, लेकिन मेहमान अपनी खातिरदारी करवाने के लिए वहाँ अतुल रहता है और वहाँ पर टिके रह जाता है। तो देखिए इसी बात को लेकर ये पाठ पूरा व्यंग्यात्मक लेख है। कहते हैं कि अच्छा अतिथि कौन होता है, वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए, यानी पहले से जिस मेहमान नवाज के घर जाना है उसको पहले से पूर्व सूचना दे कि मैं आपके यहाँ आने वाला हूँ, इससे मेहमान नवाज अपनी तैयारी कर सकता है। फिर कहते हैं कि एक दो दिन मेहमानी करा के विदा यानी लौट जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेजबान सब सोचने को विवश हो जाए, जो इस पार्ट में मेजबान निर्धन सोचने को विवश करता है। तो आइए ये शरद जोशी द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ का सार था। इस पाठ के अंतर्गत शरद जोशी ने कुछ मुख्य बातों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इस पाठ के अंतर्गत जैसे अतिथि का चौथा दिन यानी अतिथि तीन दिन लगातार रह जाता है, और चौथे दिन जब इसका आतिथ्य करने के लिए स्वयं मेजबान और उसकी पत्नी कितनी कमजोर पड़ जाती हैं उसको भी इस पाठ के अंदर बताने का प्रयास किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर अतिथि का सादा सत्कार कैसे हो, कितने समय तक रह सके, उन बातों को भी इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया। उसके साथ साथ जब अतिथि लगातार उस घर के अंतर्गत मेहमान नवाजी कराता है तो देखिए उसकी जो फरमाइशें होती हैं कपड़े धुलवाना और अन्य प्रकार की, तो वो किस प्रकार से निभा लेते हैं उसका भी इस पाठ के अंदर बहुत बढ़िया चित्रण करने का प्रयास किया है। उसके साथ देखिए जब चार दिन तक लगातार रह जाता है तो देखिए मेहमान और मेहनवाज के बीच में जो वार्तालाप होती है, बातें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, और पूरी होने के बाद वह घर बिल्कुल बोरियत की ओर चला जाता है, तो उसका वो चित्रण बहुत बढ़िया करने का प्रयास किया है। उसके बाद देखिए जब अतिथि बहुत लंबे समय तक रह जाता है तो उनके मध्य में खींचतान का स्थिति बन जाती है, उसका चित्रण इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने बताने का प्रयास किया। तो लेखक देखिए यहाँ जो मुख्य बातें बताने का प्रयास किया है कि मेहमान और मेजबान के मध्य जो आतिथ्य का सामीप्य बना रहे हैं वो किस प्रकार रह जाए वो इस पाठ के अंदर समझाने का प्रयास किया है। और उसके साथ साथ लेखक ने पाठकों से कहना चाह रहे हैं कि अतिथि वही अच्छा है जो कुछ पल के लिए कुछ समय के लिए मेहमान नवाजी कराए और उसके बाद पुनः अपने स्थान पर लौट जाए, वही एक अच्छा मेहमान बन सकता है। तो देखिए इसी बात को लेकर लेखक ने बहुत ही बढ़िया एक व्यंग्यात्मक लेख लिखा है। आइए हम इस व्यंग्यात्मक लेख को पढ़ने का प्रयास करते हैं पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, तो आप भी ध्यान दीजिए और सुने इसको। लेखक कहते हैं कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिन यानी चौथा दिवस है, पर प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे हैं निसंकोच यानी बिना संकोच के और सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीख अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत माने पिछले दो दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो ये चौथा दिन है, और तुम्हारे इस लगातार अतिथि का चौथा भारी दिन पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतिदिन ही होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री जिन्हें कहा गया है भी इतने समय चांद पर नहीं रुके जितने की समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की चाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हैं। तुमने एक अंतरंग माने मध्य का जिसे कहा गया है कि निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजनी चट्टान देख ली है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खो चुके हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय मत अच्छा समय अतः हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पत्नी नहीं पुकारती। तो देखिए इस गद्यांश के अंतर्गत लेखक ने अतिथि के द्वारा किए गए कार्यों को बताने का प्रयास किया है कि उसके आगमन का समय इतना न होते हुए भी अतिथि यदि लगातार मेहमान नवाजी कराने के रुक जाता है तो देखिए किस प्रकार उसके साथ में स्थिति बन जाती है, वो इस गद्यांश के माध्यम से बताने का प्रयास किया है।
कहते हैं कि उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग माने हाई लेवल का डिनर में बदल लिया था। तुम्हें स्मरण होगा, तुम्हें याद होगा कि दो सब्जियों और रायतों के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा यह थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की चाप अपने हृदय से ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करते, विनती करते, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह तुम चले जाओगे। पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत और सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर कर हमने फिर तुम्हारे दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारी सत्कार यानी आदर का ये आखिरी छोर यानी किनारा है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुम बाद भाव विनी विदाई का वह बिगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य यानी समीपता की वेला एकाएक नियों रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा, और मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिकता कुर्ता डाल दिया यानी कपड़े पहन लिए। और कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने यानी कपड़े धुलवाने के लिए, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिए थे। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा, और आशंका बिल्कुल निर्मूल यानी बिना जड़ के इसे कहा गया, निर्मूल सी नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे हो। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारी भरकम शरीर से सलवटें पड़ी सादर बदली जा चुकी हैं और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीके पड़कर अब लुप्त हो रही है यानी समाप्त हो रही है। ठाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के चित्र के सभी कोंदलों यानी कि कोणों में टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़े। अब इसे ना तो विला रहे हो न मैं, यानी आपस में वार्तालाप भी पूरा हो गया और वार्तालाप के रूप में अब बंद हो गया। कल मैं जो उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम किसी फिल्मी पत्रिका के पन्ने उलट रहे हो, शब्दों का लेन देन मिट गया है यानी आपसी वार्तालाप भी बंद हो गया है और सच्चा के विषय भी चूक गए हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आग मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया है, अब एक छुपी है यानी चुपचाप है, सौहार्द है, अब सने सने बोरियत में खो रहा है। भावनाएं गालियों का रूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जाने रहे हो। किस अदृश्य गोद में तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस वेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा,
कब तक टिकेंगे ये, यानी अतिथि। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह रहा सकता है, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। बनाओ, सत्कार मन आदर की उष्मा या आदर की जो गर्मी है या आदर करने की जितनी कैपेसिटी है वो भी समाप्त हो रही है। डिनर से चले खिचड़ी पर आ गए। अभी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकर रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास पर जाना पड़ेगा, यानी हमें व्रत करना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि, यानी अब आप चले जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता यानी महत्वता की गीत इसी कारण गाए गए हैं कि होम को इसी कारण हमने स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराबत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। कहते कि अपने खराटों में से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल की जो किरणें तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे या आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है कि तुम्हें चुमेगी यानी स्पर्श करेगी और तुम घर लौटने की सम्मानपूर्वक एक निर्णय ले लोगे। मेरी सहन सहलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा कर जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि हमेशा देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन करके लौट चले जाते हैं, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित है। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उससे पूर्व तुम लौट जाओ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो देखिए, ये पूरा का पाठ लेखक ने एक व्यंग्य लेख के ऊपर बताने का प्रयास किया। यहाँ देखिए, मेहमान और मेहमान मेजबान के मध्य वार्तालाप को बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जब एक व्यक्ति मेहमान नवाजी के लिए वहाँ पर लगातार रुक जाता है तो मेजबान को कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, उसका यहाँ पर एक व्यंग्यात्मक रूप में बताने का प्रयास। लेखक ने इसके साथ साथ में जब मेजबान लंबे समय तक मेहमान नवाजी करवाता है तो देखिए उसके साथ में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, तो उनको भी बताने का प्रयास किया है कि घर के जो परिवार के सदस्य हैं जब मेहमान नवाजी करके जब उठ जाते हैं तो उनको क्या परेशानी होती है, उसको भी बड़ा बताने का प्रयास किया है। तो देखिए, अंतिम समय में लेखक ने हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि अच्छा अतिथि कौन होता है। अच्छा अतिथि वो होता है जो अपने कम से कम समय में अपना आतिथ्य या आदर सत्कार प्राप्त करके पुनः अपने घर की ओर लौट जाता है, वही सबसे अच्छा अतिथि होता है। तो देखिए, पूरी व्यंग्यात्मक कहानी थी, इसमें अतिथि के सत्कार के संबंधित सारा बातें थी, उसमें लेखक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।